हाय गाइस मैं निधि और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम बात करते हैं फैशन मेकअप ब्यूटी डीआईवाई एंड मैनी अदर थिंग्स गाइस अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के ये वीडियो को जरूर शेयर करें ये मैंने नई लाइन बोली है सो एनी वे जैसे कि विंटर सीजन आ गया विंटर सीजन में हमारी जो स्किन है बड़ा रफ सी ड्राई सी जाती है तो मैंने सोचा कि नहीं मैं आप लोगों के लिए निविया का रिव्यू करूँ वाह क्या लाइन है निविया का रिव्यू करूँ <laughs> मतलब निविया क्रीम का रिव्यू करूँ जो कि इस विंटर में आप लोगों के लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड वाइज अगर आप अभी भी पॉन्स की या फिर गुलाब डाबर गुलाबरी या फिर प्लस या फिर वेस्टलिन अभी भी आप यही सब यूज़ कर रहे हैं और आप अभी तक निविया क्रीम यूज़ नहीं करिए तो डेफ़िनेटली आप एक बार ज़रूर इसे यूज़ करिएगा और मैं ये क्रीम के नेम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पर्सनली मैं यही क्रीम यूज़ करती थी और इस विंटर में मैंने स्टार्टिंग में स्टार्टिंग से निविया क्रीम यूज़ करना स्टार्ट किया है ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्रीम को सिर्फ दस या पंद्रह बार यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों के संग ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ नहीं आ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने इसकी बहुत सारी बोटलें जो है खत्म कर दी हैं तो उसके बाद मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं इसका रिव्यू ही कर लूँ आप लोगों के लिए और मैंने और भी जो क्रीम है इसके जो वेरियंट आए हैं बहुत सारे मैंने वो भी आप लोगों के लिए मंगाए हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सी क्रीम जो है वो अच्छी होने वाली है इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं इसका रिव्यू कर देती हूँ आप लोगों के लिए तो गाइज़ अगर आप लोग ऑलरेडी ये क्रीम यूज़ कर रहे हैं और आपको ये क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है अगर तो आपने ये क्रीम अभी तक यूज नहीं करी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली इस क्रीम को जरूर ट्राई करेंगे तो विदाउट टॉकिंग टू मच लेट गेट स्टार्ट सो so गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि निविया ने इस क्रीम में बहुत सारे वेरिएंट निकाले हैं जैसे कि मेड पॉमिग्रेनेट एलोवेरा और पीच स्ट्रॉबेरी विटामिन ई इस तरीके के बहुत सारे जो है क्रीम इसमें लॉन्च मैंने यहाँ पर थ्री क्रीम परचेस की है क्योंकि इतनी सारी क्रीम थी तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी क्रीम को मैं परचेस करूँ मतलब कौन सी क्रीम ज़्यादा अच्छी है तो बट मैंने जब यूट्यूब में सर्च किया तो बहुत सारे यूट्यूबर ने इन्हीं क्रीम के ऊपर जो है अपना रिव्यू बहुत अच्छा दिया हुआ तो मैंने सोचा कि ना मैं इन्हीं क्रीम को ट्राई करूँगी इस विंटर में तो यहाँ पर जो है मैंने थ्री थ्री क्रीम परचेज़ की हुई है तो मैं आपको बता दो सबसे पहले मैंने पॉमी यूज़ किया हुआ यानी कि जो अनार की बनी हुई है एंड दूसरी जो है वो है विटामिन ई जैसे कि आप तो जानते हैं कि विटामिन ई e जो हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होता है एंड गाइस लास्ट जो मैंने परचेस किया वो है एलोवेरा जो हाइड्रेट करता है आपके स्किन को इसमें ये लिखा हुआ है तो ये जो क्लीन क्रीम है मैंने ये परचेस की है बट सबसे पहले मैंने ये दो क्रीम परचेस की थी जो कि है विटामिन ई और एलोवेरा तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो बोटल है पूरी ख़त्म हो चुकी है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हमेशा मैं वही रिव्यू करती हूँ जो मुझे खुद पर्सनली पसंद आता है प्रोडक्ट मैं उसी का कर रिव्यू करती हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी ज़्यादा क्रीम नहीं हल्की फुल्की जो क्रीम बची हुई है बस वही बची हुई है इसमें इस तरीके से और ये जो क्रीम है इसमें तो बिल्कुल ही ये ख़त्म हो चुकी है और ये है एलोवेरा की और इसमें जो है बहुत ही कम इतना सा कुछ बचा हुआ है बस थोड़ा बहुत वो भी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो ये रिव्यू है इसको करने के लिए बचा रखा है तो और ये ख़त्म हो चुकी है जब ये दो क्रीम मुझे पसंद आई बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसका जो टेक्सचर है इसका सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी उसके बाद जो है मैंने पॉमिग्रेनेट ये वाली क्रीम मंगाई तो गाइज़ अभी मैं सब इनके बारे में सब कुछ डिटेल में बात करूँगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइज सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन ई जो कि मेरी फेवरेट है होने को ये तीनों ही मेरी फेवरेट है लेकिन ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है तो मुझे ये ज़्यादा सूट करी तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो है मैंने एक और पैक जो कॉम्बो पैक है ये मैंने मंगा लिया है तो इसके बारे में बात करें तो आपको बता दूं ये अलग अलग आपको पैकेजिंग में मिल जाता है अगर आप 100 एम एल की लेते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है अगर आप 200 हंड्रेड के एम एल हैं तो वो भी आप ले सकते हैं बट आप अगर ट्राई करें फर्स्ट टाइम तो आप हंड्रेड एम की आप ट्राई कर सकते हैं तो जो हंड्रेड एम का है वो है वन फिफ्टी का आपको अमेजान या फ्लिपकार्ट में डिस्काउंट में मिल जाए इसके पैकेजिंग की तो आपको इस तरीके के प्लास्टिक जार में मिल जाता है एंड गैस इसकी क्वान्टी काफ़ी अच्छी दी गई हुई है पूरा आपको फुलफिल करके दिया जाता है एंड जो भी इसके इसमें यूज़ किया गया है डिटेल इसकी जो है बैक साइड यहाँ पर लिखी गई हुई है तो आप वो ईजिली पढ़ सकते हैं एंड गाइज बात कर लेते हैं इसके फ्रेग्रेंस की तो फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा लाइट है जिनको ज़्यादा फ्रेगनेस पसंद नहीं है उनके लिए बेस्ट है क्रीम सो so, इसके टेक्स्चर की बात करूँ तो टेक्स्चर इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है बिल्कुल क्रीम जैसा मक्खन जैसा इसका जो टेस्चर है इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ईजिली आपके स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है जो कि मुझे सबसे अच्छी इसकी बात लगी बहुत ईजिली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी चिपचिप सा नहीं है या फिर बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता कि बहुत ऑयली हो जाती है आपकी स्किन वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है आप चाहो तो इसको जो भी ड्राई स्किन है चाहे ऑयली स्किन है दोनों ही या कॉम्बो स्किन है तीनों लोग ही इसको यूज़ कर बट पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं एंड गाइज़ इसको यूज़ करने के बाद आप मेकअप अगर, अगर अप्लाई करते तो ऐसा नहीं कि आपका मेकअप जो है बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है या ऑयल छोड़ने लग जाता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है बिल्कुल नॉन स्टिकी है बिल्कुल भी चिपचिप वगैरह कुछ भी नहीं आपको फील होगा ऐसा लगता है बिल्कुल ही लाइट एकदम आपने यूज़ किया और एकदम ही आपकी जो स्किन है उसको एकदम ऑब्जॉर्व कर लेती है तो बहुत लाइट वेट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई तो गाइज़ विटामिन ई है इसमें विटामिन ई आप जानते हैं कि हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है तो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है नरिश करता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है कमेंड करूँगी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप निविया की विटामिन ई क्रीम को ट्राई करें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक छोटा पैक लें पहले वन सिक्सटी फाइव रुपीज़ वन फिफ्टी का है तो डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा तो एक बार इस विंटर में आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं सो गाइस नेक्स्ट जो हमारी क्रीम है वो है निविया की हाइड्रेशन क्रीम जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रेशन से समझ में आ रहा है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई सी है बहुत ज़्यादा रफ होती है बार बार आपको क्रीम अप्लाई करना पड़ता है विंटर में तो आप डेफिनेटली इस क्रीम को ट्राई कर सकते हैं मेरे हस्बैंड को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई सी है तो गाइज जरूरी नहीं है कि क्रीम सिर्फ फीमेली ट्राई करें आप मेल हो तो भी आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है तो गाइज मैं आपको ये क्रीम मेरे हस्बैंड को काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि इनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सी रफ और एकदम से ड्राई हो जाती है तो उनको ये क्रीम बहुत ज्यादा सूट करी और उनको ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और जैसे हर क्रीम में क्या होता है कि थोड़े थोड़े हर दो दो तीन तीन घंटे में अप्लाई करना पड़ता है या दो तीन घंटे से पहले भी अप्लाई करना पड़ता है क्रीम को बट बट इन क्रीम के संग ये तीनों ही क्रीम के संग ऐसा नहीं है आप अगर एक बार इसको अप्लाई करते हैं तो मुझे लगता है कि नाइट तक ये काम करती है नाइट तक ये आपका चल जाती है आपको दोबारा से इसमें इतना ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसीलिए विंटर के लिए ही मैं बोलूँगी समर में आप इसको ना ही यूज़ करो क्योंकि समर में बहुत आपकी स्किन को चिपचिपा कर देती है तो विंटर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड सेम इसका भी टेक्सचर वैसे ही है फ्रेगनेंस इसकी बहुत ज़्यादा लाइट है इसमें फ्रेगनेंस बिल्कुल एलोवेरा वाली है जैसे एक मेडिसिन आती है उस तरीके की मुझे लगी इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी सी फ्रेग्रेंस मुझे उतनी पसंद नहीं आई और फ्रेगनेंस मतलब उतनी हैवी नहीं सिर्फ एलोवेरा वाली जो होती है लाइट वाली जो होती है फ्रेगनेंस उस तरीके की फ्रेग्रेंस है इसकी और टेक्सचर जो है सेम है तीनों का ही टेक्स्चर जो बहुत ज़्यादा सेम है बिल्कुल मक्खन की तरह है लाइट है बिल्कुल आपके स्किन में जो एब्जॉर्ब हो जाता है एकदम से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई क्रीम जो है चिपचिप सी कुछ भी ट्राई कर रखी है इस तरीके का कुछ भी नहीं लगता है और सबसे अच्छी बात है कि आपके मेकअप को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाती जैसे कि मैंने आपको पहले वाली क्रीम के बारे में बताया टेक्स्चर जो है तीनों का सेम ही है आ, लेकिन आ, बस मैं आपको बताऊंगी फ्रेगनेंस का थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन आ, ये मैं बता रही हूं कि तीनों जो है वो अलग अलग स्किन टाइप वालों को मैं सजेशन करूंगी क्योंकि फर्स्ट जो मैंने आपको बताई वो ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है एंड सेकेंड uh, जो ये है ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट में लिखा भी कि हाइड्रेशन की तो उस तरीके से ही हाइड्रेट करती है सबसे अच्छी बात यह कि इनको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती आप एक बार मॉर्निंग में अप्लाई करेंगे तो आप इसके सीधे इसको नाइट में अप्लाई कर सकते हैं तो गाइज अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई सी है और आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत पड़ती क्रीम को तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो पैक है ये है टू हंड्रेड एम एल का ये आपको मिल जाएगा टू सेवेंटी फाइव रुपीज़ का एंड आपको अमेजन फ्लिपकार में डिस्काउंट पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें मिल सकता है डिस्काउंट पे और इसका आप हंड्रेड एम एल का भी ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप निविया की एलोवेरा हाइड्रेशन क्रीम को ट्राई कर सकते हैं ओके नेक्स्ट जो हमारी क्रीम है वो है निविया की सॉफ्ट फॉर्मिंगनट क्रीम इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको दावा इसकी फ्रेग्रेंस इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मतलब मतलब प्यार हो जाएगा ऐसा मन करेगा कि बस इसी क्रीम को मैं अप्लाई करते रहूं। बट गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फ्रेगनेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसको आप परचेस ना करें क्योंकि इसमें फ्रेगनेंस है एंड गाइस अगर आपको फ्रेगनेंस पसंद है या फिर जिनको परफ्यूम ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगनेस होती है तो आप इसको परफ्यूम की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पाँच छः घंटे आपकी फ्रेग्रेंस कहीं नहीं जाने वाली है अगर आप फेस वॉश करते हैं तो फ्रेगनेंस चली जाएगी बट अगर आप फेस वॉश नहीं करते हैं तो पाँच छः घंटे आराम से आपका परफ्यूम की तरह काम करेगा एंड गाइज मैं आपको बता दूँ कि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई बट अगर आपकी स्किन ऑयली जैसे कि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको डेली पर्पज़ में यूज़ करें आप इसको नॉर्मल हैंड मतलब हैंड में या बॉडी में आप यूज़ कर सकते हैं आ, इसको फेस में यूज़ मैं इसलिए कह रही हूँ मत करें क्योंकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा आपकी स्किन को ऑयली कर देती है बट अगर आप इसकी कम क्वानिटी यूज़ करेंगे मैं मेरे को जब भी इसको अप्लाई करना होता है या मैं इसको कभी मन करता कि ऑयली क्रीम अप्लाई करूँ क्योंकि फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसके सिर्फ इतने ही डॉट डॉट करके अपने फेस में अप्लाई करती हूँ तो उतने के लिए मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है और पूरे डे आपका ईजी चलता है आपको बार बार इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए मेरे को क्या है कि मैं इसको ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि बहुत थोड़ा सा स्किन को चिपचिपी कर देती है तो अगर आप इसे कन कम क्वान्टिटी यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी है लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आपको आ, क्रीम अप्लाई करने की आदत है तो और आपकी ऑयली स्किन है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इसको यूज़ ना तो एक बात इसकी और अच्छी बताऊँ कि इसको अप्लाई करने के बाद ना आपको अपने फेस में ग्लो दिखता है मतलब अब मुझे पर्सनल मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मुझे इसको यूज़ करने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे फेस में ग्लो आ गया है इन क्रीम को यूज़ करने के मुझे उतना ग्लो नहीं दिखता है जबकि इस क्रीम को जब मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्किन में थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बट आप मुझे जरूर अगर आप इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको भी ऐसा फील होता है नहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रीम है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले जरूर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने उनके लिए बेस्ट क्रीम होने है इस विंटर में एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है और उसको अप्लाई करना चाहते हो क्योंकि फ्रेगनेस कितनी अच्छी है क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है मैं इसको रीपर्चेज जरूर करूंगी तो गाइज आप इसको कम क्वान्टिटी यूज़ करें एंड आप चाहो तो इसको मतलब Uh, हफ़्ते में दो दिन या तीन दिन आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करने के लिए आप इसे मसाज कर सकते हैं एक तरह से फ्रूट क्रीम की तरह तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है या आप अपनी बॉडी में अपने हैंड में अप्लाई कर सकते हैं इसलिए तो ये तीनों ही क्रीम बेस्ट है बट अगर मुझे इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको रिपर्चेस जरूर करूँगी अब विंटर के लिए तीनों क्रीम ही बेस्ट है आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इन क्रीम को परचेस कर सकते हैं सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हेल्पुल अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय